हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास फिफ्थ। और ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। सो आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं टू अप्लाई डिवीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन। जो रियल लाइफ सिचुएशन है हमारी, रियल लाइफ में हम डिवीजन को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप टीचर का नाम लिखेंगे। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में, बुक शॉप का काम। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको याद होगा कि पिछले वर्कशीट में आयाना और उसके परिवार के बारे में पढ़ा था। काम कम होने के कारण आयाना के भैया ने एक किताबों की दुकान में नौकरी करनी शुरू कर दी। ठीक है, किताबों की दुकान में नौकरी शुरू की। उसके बाद देखिए, रविवार के दिन भैया ने किताबों की दुकान में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकाल कर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। अगर उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो आपको बताना है कि कुल किताबें कितनी है, 152। तो 152 किताबों की बच्चों जो है कितनी ढेरियां बनानी है, 10-10 ढेरियां बनानी है, 10-10 किताबों की एक ढेरी। तो आपको बताना है कितनी तो ढेरियां लगेंगी और कितनी जो है किताबें शेष रह जाएंगी। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम अगर 152 को 10 से भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ढेरियां बनेंगी। तो देखिए, भैया ने अपनी कॉपी में इस तरह हिसाब लगाया, 152 को हमने 10 से भाग कर दिया तो 10 एकम 10, हमें जो है दो यहाँ पे संख्याएं लेनी पड़ेंगी, 10 एकम 10, ये माइनस करके इसमें से घटा दिया तो ये कितना बच गया, 5 आ गया। और 2 हमने नीचे उतार लिया। अब देखिए अभी कितने पे जाएगा, 10 को हम कहाँ 10 का पाड़ा लेंगे और ये कितने पे गया, 5 पे गया, 10 पंजे 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया और ये शेष जो है हमारा 2 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हो कि कुल कितनी ढेरियां बची। बच्चों जो यहाँ पे ये वाला उत्तर आता है ना, ये जो है क्या होता है, ये हमारा आंसर है। और शेष जो बचा यानी इसमें 150 किताबों की ढेरियां तो बन जाएंगी, लेकिन 2 किताबें आपकी शेष रह जाएंगी। ठीक है, तो 152 को अब देखिए हमारा उत्तर सही है या नहीं, इसकी हम जांच कर सकते हैं। जांच कैसे कर सकते हैं, 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए। 152 को हमने 10 से भाग किया तो कितने हिस्से हुए, 15, और 2 किताबें शेष रह गई। अब हम अगर भाग को चेक करके देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया है या नहीं, इसके लिए हमें 15 को 10 से गुणा करना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा उत्तर आया है और जिससे हमने भाग किया है उन दोनों को हम गुणा कर देंगे। एक गुणा करने के बाद कितना आया, आपने 15 को 10 से गुणा किया तो उत्तर आया 150, और जो है शेष कितना बचा है, 2 शेष बचा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 150 जमा 2, उत्तर आ गया 152। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 15 को हमने 10 से गुणा कर दिया और जो बचा हुआ था उसको हमने उसमें जोड़ दिया तो 152 उत्तर आया। और हमारे पास भी कुल कितनी किताबें हैं, 152, इसलिए हमें पता चल गया कि हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए और ऊपर दिए गए तरीके से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो देखिए और भी तरीका हो सकता है किताबों को लगाने का, कैसे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 152 है इसको हम तोड़ सकते हैं, 100 जमा 50 जमा 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले 100 को जो है हम क्या कर सकते हैं, 10 से भाग कर सकते हैं तो ये 1 पे चला जाएगा, 10 एकम 10, 0 उतारी तो ये कितने पे जाएगा बच्चों, 10 0 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी तो कितना आ गया, कुल ढेरी कितनी बनी बच्चों, 100 किताबों की 10 बनी। अब रह गया 50, अब हम 50 को क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 10 पंजे क्या हो जाएगा बच्चों, 50। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो ये कितनी ढेरी बनी, 5, और शेष किताबें कितनी रह गई,
शेष किताबें रह गई बच्चों हमारे पास दो, ठीक है। यानी ढेरी कितनी बनी बच्चों, ढेरी तो बनी 15 और किताबें जो शेष रह गई वो कितनी रह गई, दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ढेरी बनी 15 और शेष जो किताबें बच गई वो कितनी बच गई, दो किताबें। तो टोटल अगर हमें जांच करनी है उत्तर की, तो हम जांच कैसे करेंगे, 15 को 10 से गुणा कर दीजिए बच्चों। तो 15 एकम 15 लगा के एक जीरो है, तो इसके पीछे जीरो लगा दो। शेष किताबें हैं दो, तो कितनी हो गई कुल किताबें, हो गई 152। तो हमने इस तरह से जांच की कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल हमने ठीक निकाला है इस तरीके से भी। अब अगला देखिए आपको दिया गया है बच्चों, आप साथ साथ जो है कॉपी में करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आज किताबों की दुकान में 58 नए शब्दकोश तथा एनसाइक्लोपीडिया आए हैं, ठीक है। डिक्शनरी होती है शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया आए हैं, ये जो है बुक होती है। ये बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 किताबें ही रखी जा सकती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 98 किताबें कितने सेल्फ में आएंगी, तो ये जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास जो है कुल किताबें कितनी हैं, तो इस तरह से हम इसका उत्तर निकालेंगे। देखिए हमारे पास बच्चों कुल किताबें, आप लिखेंगे कि जो कुल किताबें हैं वो हमारे पास है 98, ठीक है। और एक सेल्फ में किताबें कितनी आई बच्चों, एक सेल्फ ऐसे लिखेंगे, एक सेल्फ में किताबें, तो कितनी किताबें आई बच्चों, एक सेल्फ में आई 6 किताबें, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि 98 किताबें कितने सेल्फ में आएंगी, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ निकालने के लिए हम 98 को 6 से भाग कर देंगे। तो 98 को आपको 6 से भाग करना है, तो देखिए 6 एकम 6, 9 में से 6 गया बच्चों 3 आया, ठीक है ना, इसको घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये 3 ये 6 पे तो नहीं जाएगा, कम रह गया, तो हम अगला जो है यहाँ पर उतार लेंगे, तो हमने उतार लिया 8। अब 6 का जब आप पहाड़ा लोगे तो कितने पे आएगा, ठीक है, 6 गुना 5, 6 पंजे कितना होता है बच्चों, 30 होता है। उसके बाद देखेंगे, अब हम देखो 6 को 6 से करके देखो बच्चों, 6 को 6 से करोगे तो कितना आया, 36 आता है, ठीक है। 6 को 7 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 42 आता है, तो 42 तो ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 6 पे जाएगा, तो ये 6 पे चला गया और यहाँ पे आ गया 36। 8 में से 6 गया 2, तो शेष जो है हमारे पास कितना बचा, शेष बचा 2। यानी कुल सेल्फ कितने बनेंगे, कुल सेल्फ बनेंगे बच्चों 16, ठीक है, यानी 16 सेल्फ जो है बनेंगे। अगर आपको इसकी जांच करनी है तो जांच कैसे करेंगे, अब देखिए इस 16 को इस 6 से गुणा कर दीजिए, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 96 आया, और 96 में जो शेष बचा हुआ है उसको जोड़ दीजिए, तो कुल कितनी किताबें हो गई, कुल हो गई 98 किताबें। तो यही तो हमें निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, भैया ने दुकान पर 50 दिन काम किया जिसके उन्हें 8000 रुपए मिले हैं, तो क्या बता सकते हैं कि यदि उन्हें 50 दिन के 8000 रुपए मिले हैं तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे, तो इसमें भी भाग कर देंगे। अगर हम 8000 को 50 से भाग कर दें तो हम निकाल सकते हैं ना कि हमें एक दिन के कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 50 दिन के रुपए मिले, कितने रुपए मिलेंगे बच्चों, ये मिले 8000, ठीक है। अब एक दिन के रुपए मिले, एक दिन के निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 8000 को भाग कर देंगे 50 से, ठीक है। अब इसको हम बच्चों भाग कैसे करेंगे देखिए, सो प्यारे बच्चों जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास एक दिन का निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 8000 को हम 50 से भाग करेंगे। अब आप सोचोगे कि हमें 50 की टेबल तो आती नहीं है, लेकिन 5 की तो आती है, तो क्या करेंगे, 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अब क्या करेंगे, 50 है ना, तो एक एक जीरो सबके बाद लगा दीजिए, इस तरह से आप इसकी टेबल लिख सकते हो। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 50 है तो हम यहाँ पे 80 लेंगे, तो 80 जो है कितने पे जाएगा, एक पे जाएगा ना, 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एक पे करेंगे 50 एकम 50, इसको हम घटाएंगे 0, 8 में से 5 गया बच्चों 3 आ गया।
अब क्या करेंगे, एक जीरो को हम नीचे उतारेंगे। अब देखिए 300 जो है ये 5 पे गया था, तो 5 को 6 पे देखिए, 6 पे कितना जाएगा, 5 6 30 होता है ना, तो ये पूरा जा रहा है कितने पे बच्चों, 6 पे। तो 6 पे ये पूरा चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, और एक जीरो हमारी बची हुई है तो इसको भी हम उतार लेंगे, तो 50 0 0, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, उत्तर आ जाएगा 160। तो एक दिन के उसको कितने रुपए मिलेंगे, एक दिन के मिलेंगे उसको 160 रुपए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 160 रुपए, ठीक है, 160 रुपए। अब अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो बहुत आसान है, 160 को आप 50 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप 16 पंजे 80, है ना, 16 पंजे 80, 80 के बीच बाद में 2 जीरो लगा दो, शेष फल हमारे पास कुछ बचा ही नहीं हुआ है, तो हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या आप जानते हैं गुणा और भाग में विपरीत संबंध है, जैसे, तो यानी देखिए आपने 4 को 5 से गुणा किया 20 आया, अब 20 को अगर आप 5 से भाग करोगे तो उत्तर आपका 4 आएगा, और अगर आप 20 को 4 से भाग करते हो तो उत्तर आपका 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणा और भाग जो है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। आप भी करके देखें, गुणा हमने 5 को 6 से किया तो 30 आया, 30 को हमने अगर 5 से भाग किया तो कितना उत्तर आएगा, 6 आएगा, और अगर 30 को 6 से भाग किया तो उत्तर आएगा 5। इसी तरह देखिए, 6 को 7 से जो है गुणा किया बच्चों तो 42 आया, और अगर आप 42 को भाग करते हो 6 से तो उत्तर हमारा 6 7 42, और अगर आप 42 को भाग करते हो 7 से तो 7 6 42, उत्तर हमारा 6 आया, ठीक है। इसी तरह देखिए, 9 को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो उत्तर हमारा 18 आता है, 18 आता है ना यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 18 को अगर आप जो है बच्चों यहाँ से भाग करोगे किससे, 18 को अगर आप 9 से भाग करते हो तो उत्तर हमारा 2 आएगा, और 18 को अगर आप 2 से भाग करते हो तो उत्तर हमारा 9 आएगा। अब देखिए, 8 तिया कितना होता है, 24। अब 24 है ना, इसको मैं यहाँ नीचे करूंगी, ठीक है। तो 24 को बच्चों अगर हम 8 से भाग करते हैं तो उत्तर हमारा 3 आएगा, और 24 को अगर आप 3 से भाग करते हो तो उत्तर हमारा 8 आएगा। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में कर लेना है, ठीक। अब देखिए, आपको क्या दिया गया है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपनी पुरानी किताबें जरूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित करें, यानी आपकी जो पुरानी किताबें होती हैं उनको आप जो है ऐसे इधर उधर खराब ना करें, जो बच्चे जरूरतमंद हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं उनको जो है आपको देनी चाहिए, इससे आपके पास से किताबें भी चली जाएंगी और जरूरतमंद बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर आप प्यारे प्यारे बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।